सीमा हैदर पाकिस्तानी जासूस तो नहीं है। सीमा हैदर ने पहली बार पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर पर कई आरोप लगाए। कहा वो अभी ड्रामा कर रहे हैं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। बोली पाकिस्तान नर्क जैसा कुछ भी हो पर वापस नहीं जाना। उनको कह दें कि वो अपनी पहली बीवी और पहले बच्चे पाल ले, हमारी जरूरत ना उनको पहले थी ना हमें उनकी अब जरूरत है। वो अपनी पहली बीवी बच्चों के साथ खुश रहे, यही अपील है कि मैं वापस नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, यहाँ की मुझे नागरिकता मिल जाए मेरे बच्चों के साथ। मतलब जैसे रखेंगे, जहाँ रखेंगे, अगर कानून यहाँ का मतलब कोई डाउट है उनको तो मुझे कहीं भी रखेंगे, जैसे रखेंगे मैं रह लूंगी, पर मेरा पति मेरे बच्चे साथ हो। तो आप दोनों ने शादी कर ली है? अब इस मंदिर में हो गए, बाकी कोर्ट मैरिज अभी करेंगे एक दो दिन में। एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि सीमा पाकिस्तान से यहाँ कैसे पहुंची? मैं नेपाल से आई सर, पहले तो यहाँ के वीजे के लिए अप्लाई करा, यहाँ का वीजा नहीं मिला मुझे। वहाँ बहुत सारी चीजें चाहिए यहाँ का वीजा पाने के लिए, वो भी 2.5-3 महीने बाद रिजल्ट आता है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं मिला, ज्यादातर नहीं मिलता मुस्लिम को ना, तो मैं मुस्लिम थी तो मुझे वीजा नहीं मिल रहा था, तो इसी कारण मैंने नेपाल का रास्ता अपनाया। वो तैयारी कर रहे थे सर जी, तैयारी। मैं कोई भी झूठ मतलब नहीं कहना चाहती, ताकि जो है मैंने पुलिस से भी शुरू से लेकर सच ही कहा है। वो तैयारी कर रहे थे, वो ऐसे ड्रामा कर रहे हैं, उसकी बातों को आप इग्नोर कर रहे हैं। वो ड्रामा कर रहे हैं, उनकी बात वो इतना प्यार नहीं करते।